फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मशीनरी ऑफ फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं कुछ यूनिक बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जिस बिजनेस की बात करेंगे वो एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बैन नहीं हो सकता। उस बिजनेस को शुरू करके आप अपना सालों साल अच्छा काम कर सकते हो। और आज हम जिस बिजनेस की बात करें फ्रेंड्स, वो है पेपर प्लेट बिजनेस। इस बिजनेस से रिलेटेड हमारी काफी डिस्कशन हो चुकी है और बिजनेस को शुरू करने पर काफी लोगों ने अपनी अच्छी इनकम भी की है और अभी अच्छा कमा भी रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव था, और एक यही मोटिव है कि जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और फिर भी अपना पेपर प्लेट बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें कितने तरीके की मशीनें होती हैं, इसके क्या लाभ हानि होते हैं, तो आज हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस बिजनेस के तरफ चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि इसमें कितने तरीके की मशीन होती है। प्लेट बिजनेस करने के लिए दो मशीनों की जरूरत पड़ती है, एक होता है अपना क्रैंक मॉडल और एक होता है हाइड्रोलिक मॉडल। अब इन दोनों मशीनों में क्या फर्क होता है वो आपकी पूरी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड, अगर आपको नॉर्मल आइटम बनाने हैं, जैसे कि आपका ये डोना वगैरह हो गया, 4-6-8 इंच का हो गया, ये नॉर्मल प्लेट्स हो जाती हैं आपकी, जो ये अपना कॉलर वाली प्लेट रहती है, इसमें चाहे साइज छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, और ये अपनी खाली हो जाती है, ठीक है, जिसमें पार्टीशन रहते हैं। अगर इस टाइप का आइटम आपको बनाना है तो आप क्रैंक मॉडल आप अपना ले सकते हो। क्रैंक मॉडल में काफी वेराइटीज है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बनाना है फ्रेंड्स हैवी जीएसएम में, जैसे कि आपको बनानी है ये अपना रिंकल प्लेट हो जाती है जिसमें अपने डिजाइन रहते हैं, या आपका बफर प्लेट हो गया, इतना हैवी जीएसएम में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ये अपना हाइड्रोलिक मशीन में बनते हैं। हाइड्रोलिक मशीन अपना फ्रेंड्स एक ऐसा मशीन है जिसमें आप ये नॉर्मल आइटम भी बना सकते हो और बफर आइटम भी आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधा मशीन में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्रैंक मॉडल है और हाइड्रोलिक मॉडल है, तो मैं सबसे पहले क्रैंक मॉडल को क्लियर करूंगी। क्रैंक मॉडल में हमारे पास फ्रेंड्स सिंगल डाई, डबल डाई, ट्रिपल डाई, 4 डाई आती है, मतलब आने को कितनी भी डाइस का आप बनवा सकते हो, बट अगर आप शुरुआत करें हो तो सिंगल डाई और डबल डाई से आप शुरुआत कर सकते हो। फर्स्ट मॉडल जो रहेगा ये अपना सिंगल डाई में रहेगा। सिंगल डाई में आप देख रहे हो कि नाम से ही पता चल रहा है सिंगल डाई, यानी एक डाई, ये एक डाई पे चलेगा। मतलब ये है कि आप इसमें 4-14 इंच तक का बना सकते हो, बट एक टाइम पर आप एक ही डाई लगाओगे इसमें, ठीक है। तो सिंगल डाई में भी हमारे पास काफी सारे मॉडल्स आते हैं। एंगल बेस मशीन होती है, एंगल प्लस चैनल होता है, फुल्ली चैनल मशीन होती है, मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, जितने साइज का बनाना है, आप उस अकॉर्डिंग मशीन की च्वाइस कर सकते हो। ये आपका सिंगल डाई मशीन है, इसको मैं अभी रन करके दिखाऊंगी। ये अपनी डबल डाई मशीन है। डबल डाई में क्या होगा आपका, ये दो डाइया एक साथ यूज होती है आपकी, ठीक है। आप इधर आके देख सकते हो, डबल डाई को मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये अपनी डबल डाई है, ये अपनी, ये अपना जो मशीन है ये अपनी फुल्ली चैनल पे मशीन है और आप इसमें एक साथ दो डाई चला सकते हो। इसमें क्या है कि आपकी प्रोडक्शन डबल होगी सिंगल डाई के अकॉर्डिंग। इसमें भी सेम वही चीज है फ्रेंड्स के एंगल, एंगल प्लस चैनल और फुल्ली चैनल पे मशीन आती है। डिपेंड करता है कि आपको जो साइज बनाने हैं या क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है वो आप उस अकॉर्डिंग अपनी मशीन की च्वाइस करोगे, ठीक है। अब मैं इस मशीन को आपको रन करके दिखा देती हूँ ताकि आप ये देख सको कि ये मशीन कैसे चलती है और प्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। चलो मैं अब आपको मशीन चला के दिखा देती हूँ। और बहुत इजी मशीन है, इतना कोई हार्ड काम नहीं है इसको चलाना, मैं खुद इसे ऑपरेट कर लेती हूँ। जैसे सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना मशीन ऑन करना होता है, सेटिंग पे देनी होती है, देन आप इस मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपना मशीन चल रहा है। ये देखिए, ये आपका अपना डोना बन रहा है। इसी तरीके से आप अगर इसमें प्लेट का डाई लगाओगे तो आपका प्लेट बनने लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हमने क्रैंक मॉडल को चलते हुए देखा कि आप उसमें किस तरीके से मशीन को चला सकते हो और बहुत इजी ऑपरेटिंग है। अब मैं आपको अपनी हाइड्रोलिक मशीन चला के दिखाती हूँ। हाइड्रोलिक, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको हैवी आइटम बनाना है, हैवी जीएसएम यानी बफर प्लेट है, रिंकल है, आपका डायमंड प्लेट्स होगी, मतलब जितना भी हैवी प्रोडक्ट होगा वो आपका हाइड्रोलिक मशीन में ही बन पाता है। हाइड्रोलिक में नॉर्मल भी बनाओ और अपना हैवी भी बना सकते हो। मशीन आपको चला के दिखा देती हूँ। ये हमारा जो मशीन है ये हमारी हाइड्रोलिक सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर पर मशीन है, ठीक है। सिंगल सिलेंडर रहेगा, बट आप इसमें इकट्ठे पूरे 5 रोल 7 रोल इकट्ठे आप चला सकते हो। इस मशीन को बहुत इजी ऑपरेटिंग है कि आप इसे 3 मोड पे चला सकते हो। अगर आप चलाना चाहो ऑटोमेटिक चला सकते हैं, आप बटन सिस्टम से चला सकते हो यानी मैनुअली अगर आप चला सकते हैं, और आप इसे फुट सिस्टम से भी चला सकते हो, मतलब एक फुट स्विच होता है उससे भी आप चला सकते हो।
सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये रहा आपका फुट स्विच, तो इससे भी आप चला सकते हो। पहले मैं इस मशीन को आपको ऑटोमेटिक चला के दिखा देती हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑटोमेटिक मोड पे इसको सेट कर दिया है, और मशीन जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन जाएगा टाइमर के अकॉर्डिंग। जो भी आप अपने टाइम सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग ये अपना अप डाउन करते हो। इसी अकॉर्डिंग आपके जितने भी पीछे 5 रोल 7 रोल है वो एक साथ आगे आएंगे और एक साथ पंच पे कटेंगे। अभी मैं आपको इसको मैनुअल मोड पे चला के दिखा देती हूँ। जैसे ये आपका था और मैंने यहाँ पे इसे मैनुअली मोड कर दिया है, यानी हम अगर आप इसमें बफर प्लेट बनाना चाहते हो जो रोल में नहीं आता है, जो साइज में आता है, तो साइज अपना जो प्लेट रहेगा वो शील आपको आगे रखनी है और बटन के थ्रू काम करना है। जैसे ये आपका अप एंड डाउन वाला है, अभी अप है मैं इसे डाउन कर देती हूँ। देखिए दबा के रखेंगे डाउन, अब दबाएंगे अप, ओके अगेन दिखा देती हूँ डाउन एंड अप। इसलिए क्या होता है कि आपको अपना जो प्लेट डाई है वो प्लेट के ऊपर कितनी देर तक आपको टिका के रखना, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। मैं आपको इसका पैडल सिस्टम से चला के दिखा देती हूँ। पैडल थोड़ा हल्का सा आपको प्रेसिंग देना है, ये मैंने पैडल को प्रेसिंग दिया, अपने आप डाई नीचे आया एंड देन अपने टाइम होने पर ही अपने आप ऊपर हो जाएगा। फिर इसको अगेन नीचे करने के लिए आपको प्लेट से पैडल को दबाना पड़ेगा एंड अपने आप डाउन एंड अपने आप अप हो जाएगा। ये आपका सिंगल हाइट सिंगल सिलेंडर मशीन है हाइड्रोलिक में। अब मैं इसमें आपको दूसरा मॉडल आपको दिखा देती हूँ। ये जो मशीन रहेगा ये डबल डाई डबल सिलेंडर पे मशीन है, मतलब उसी का ही आप अपना सेकंड वर्जन आप समझ सकते हो कि अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए या आप चाहते हो कि मेरी दोनों तरफ प्लेटें बने या मैं एक साथ ही दो दो चीजों की प्रोडक्शन कर सकूँ, तो आप डबल डाई डबल सिलेंडर ले सकते हो। सेम वही मशीन है बट इसमें आपको डबल की गई है। इसमें भी आपको पूरे सारे सिस्टम दिए जाएंगे जिसमें आप टाइमर सेटिंग हो गया, टेम्परेचर सेटिंग हो गया, वो सारी चीजें आप एमरजेंसी बटन दिया जाता है कि कभी कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है या कुछ एमरजेंसी है तो आप इस मशीन को एमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 5 रोल पीछे रहेंगे और अपना 5 रोल एक तरफ 5 रोल एक तरफ अपना चला सकते हो। बाकी एक प्लस पॉइंट होता है मशीन में मोटर सिस्टम। जैसे पहले क्या होता था कि चेन सिस्टम से मशीन चलती थी, कि आप जो पीछे के जो रोल रहेंगे वो आपका चेन सिस्टम से चलेंगे। चेन सिस्टम से क्या देखा गया है कि फ्रेंड्स जब हम रोल चलते हैं या रोल सारे खींचे जाते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जिससे वो चेन बार बार टूट जाती है। हमने उसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया है और यहाँ पे हमने उसको मोटर सिस्टम दिया है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपकी मोटर रहेगी जिससे आपके सारे रोल इकट्ठे खींचे जाएंगे और एक्यूरेसी से खींचे जाएंगे। मतलब मोटर लगाने के बाद आप भूल जाओ कि आपको कोई मशीन में दिक्कत आ सकती है या आपके रोल पीछे रह रहे हैं, आधे रोल खींच रहे हैं, आधे रोल रह गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं इस मशीन को भी आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ। अब हम इस मशीन का जो है लाइव डेमो देख लेते हैं कि ये मशीन कैसे चलती है। सिंपल है, आपने अपना स्विच लगाना है, देन मशीन आप ऑन कीजिए, मशीन ऑन हो गया है। इसमें भी वही है कि आप इसे मैनुअली ऑटोमेटिक एंड पेडल सिस्टम तीनों से चला सकते हैं। सेम पहले मैं आपको इसे ऑटोमेटिक चला के दिखाऊंगी। ऑटोमेटिक में सेट होने के बाद अपने आप डाइव ऊपर नीचे होती है।